तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूं। और आज जैसा कि मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूं, ये हमारे जितने भी सारे खास स्टूडेंट हैं जो लोग ऑलरेडी पहले से काफ़ी रिपेयरिंग कर रहे हैं, या बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग मोबाइल फ़ोन के दुकान चला रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसा एक फॉल्ट है डेड फोन फॉल्ट, कि मतलब डेड मोबाइल फ़ोन को कैसे रिपेयर किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो सीरीज में लेकर के आई हूँ डेड मोबाइल फ़ोन के ऊपर लेकर के आया हूँ कि डेड मोबाइल फ़ोन चेकिंग स्पेशल क्लास, मतलब डेड मोबाइल फ़ोन को कैसे चेक किया जाएगा, डेड मोबाइल फ़ोन को चेक करने का तरीका क्या होता है, उसके बारे में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ। मेरा नाम राघवेंद्र, मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, रिपेयरिंग, ऐसे आपको टेक्निकली कोर्स आपको सिखाए जाते हैं। यहाँ पर हम जितने भी सारे स्टूडेंट होते हैं उनको बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं। और एक एक करके जितने भी सारे जो टॉपिक के वीडियो डालते हैं, ये हमारे बहुत सारे ऐसे यूट्यूब में जो जुड़े हुए हैं, या यूट्यूब में हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, या जो लोग यूट्यूब के माध्यम से वीडियो वॉच कर रहे हैं, वो लोग भी हम चाहते हैं कि जब हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आएँ, सीखने के लिए आएँ, तो यूट्यूब के माध्यम से काफ़ी चीज़ों को पहले से ही ऑलरेडी सीख लें, या उनको आ जाए, या उनको ये पता चल जाए कि सर का सिखाने का तरीका क्या है, कि जब हम वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो हमको किस तरीके से सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये हमारा डेड मोबाइल फ़ोन के ऊपर, कि डेड मोबाइल फ़ोन चेकिंग स्पेशल क्लास, कि मतलब डेड मोबाइल फ़ोन को स्पेशल कैसे ट्रेनिंग दिया जाएगा और डेड मोबाइल फ़ोन को कैसे ठीक किया जाएगा, उसका तरीका दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सर जो मेरी सीरीज चलने वाली है 15 से 20 दिन की सीरीज है, मैं 15 से 20 दिन सिर्फ मैं आपको डेड मोबाइल फ़ोन को चेक करने का तरीका आपको बताऊंगा। और जब आप दोस्तों मेरे पास सीखने के लिए आएंगे तो आपको और भी डीपली से नॉलेज मिलेगी, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ताकि आप मेरे पास जो बच्चे सीखने के लिए आते हैं तो उनको कम से कम 4 से 5 दिन तो उनको डेड मोबाइल फ़ोन के बारे में बताया जाता है। क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी सारे लोग होते हैं, अगर उनको डेड मोबाइल फ़ोन बनाना आ गया, बंद मोबाइल फ़ोन को बनाना आ गया, तो मुझे लगता है कि वो सारी समस्याओं कर सकते हैं, क्योंकि डेड मोबाइल फ़ोन दोस्त वही ठीक कर सकता है जिसको सभी फ़ोन के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को चेक करने का तरीका उसको मालूम होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और हम लोग सीखते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहली बात, मैं आपको डेड मोबाइल फ़ोन का कंटेंट बताने वाला हूँ कि डेड मोबाइल फ़ोन में अब क्या चीज़ें हैं जो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अच्छा, जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वीडियो को सजी आप लोग अच्छे से नोट भी करें, ताकि वीडियो अगर आप अच्छे से नोट करेंगे तो सर मैं आपको जो सिखा रहा हूँ वो मेरा सिखाने का मकसद भी सिद्ध होगा, और आप कुछ ना कुछ चीज़ों को सीख भी पाएंगे, और उनके माध्यम से अगर आप मोबाइल फ़ोन ना रिपेयर करें, डेड मोबाइल फ़ोन को ना बनाएं, मैं कहता हूँ 50% अगर आप डेड मोबाइल फ़ोन को ना बनाएं तो जो बोलोगे मैं आ जाऊँगा, इतनी बड़ी बात मैं चैलेंज के साथ में कहता हूँ। तो ये टॉपिक जो है आप लोगों के लिए बहुत अहम होने वाला है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और सीखते हैं कि डेड फ़ोन को चेक कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि डेड मोबाइल फ़ोन को कितने स्टेप्स होते हैं, कितने स्टेप में उसको इजीली तरीके से क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। सबसे पहली बात, डेड फोन बेसिक चेकिंग। बेसिक चेकिंग का मतलब होता है कि हमारे पास कोई भी डेड, अच्छा ये जितने सारे टॉपिक मैं बता रहा हूँ, ये सारे टॉपिक एक एक करके मैं समझाऊंगा। सबसे पहली बात, आपको ये पता होना चाहिए कि कितने तरीके होते हैं जिस तरीके से डेड मोबाइल फ़ोन हो जाते हैं, तो डेड मोबाइल फ़ोन को ठीक किया जाता है। तो सबसे पहला तरीका डेड फोन बेसिक चेकिंग। बेसिक का मतलब होता है आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन बनने के लिए आता है तो उस मोबाइल फ़ोन के डेड फ़ोन को कैसे पहचानेंगे कि दोस्त ये हमारा मोबाइल फ़ोन डेड है, और इस मोबाइल फ़ोन को हमको क्या करना है, इसको रिपेयर कैसे करना है, और इसके अंदर क्या सिचुएशन है, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। दूसरा, डेड फोन मल्टीमीटर से चेक करना। डेड फोन को मल्टीमीटर से चेक कैसे करेंगे, जब डेड मोबाइल फ़ोन को मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो इसके अंदर कूल टेस्टिंग क्या होती है, इसके अंदर हॉट टेस्टिंग क्या होती है, कूल टेस्टिंग में आपके कूल टेस्टिंग के टाइप आ जाते हैं, मतलब कूल टेस्टिंग में कौन कौन से सिचुएशन जनरेट हो रही हैं, जैसे ओके कंडीशन क्या है, ओपन कंडीशन क्या है, लीकेज कंडीशन क्या है,
सॉर्टिंग क्या है कि मतलब जो कूल टेस्टिंग के जो टाइप्स होते हैं कि मतलब आपके पास मोबाइल फ़ोन आया, वो मोबाइल फ़ोन चेक करने पर सही बता रहा है, मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं, तो उसके अंदर ओके, ओपन, लीकेज, शॉर्टिंग, इस तरीके से चार अलग अलग तरीके की सिचुएशन जनरेट होती हैं, उनको कैसे चेक करेंगे। फिर हम लोग हॉट टेस्टिंग कैसे करेंगे। हॉट टेस्टिंग का मतलब होता है कि हम लोग मोबाइल फ़ोन को डीसी सप्लाई मशीन से कैसे चेक करेंगे। एम्पियर रीडिंग क्या होती हैं। दूसरा, हम लोग चार्जर एडाप्टर से कैसे चेक करेंगे। मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग लगा कर जो चार्जर एडाप्टर आता है, जो एम्पियर मीटर होता है जो चार्जिंग के लिए बताता है, जो रिलाइफ का है, सनशाइन का, इनके आते हैं, तो उनको हम लोग जो 6 पोर्ट वाले आते हैं उससे हम लोग कैसे चेक करेंगे। डीसी सप्लाई मशीन से कैसे चेक करेंगे। पाँच एम्पियर 30 वोल्ट, तो डीसी सप्लाई मशीन से एम्पियर रीडिंग क्या होती है उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, उसका तरीका क्या होता है। तो ये दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ डेड मोबाइल फ़ोन के रिपेयरिंग के कॉन्सेप्ट है कि डेड मोबाइल फ़ोन को कैसे कैसे बनाया जाता है। कि आप हॉट टेस्टिंग कैसे करेंगे, डीसी सप्लाई मशीन से कैसे चेक करेंगे, उसके बाद मोबाइल फ़ोन के अंदर प्राइमरी लाइन क्या होती है, या प्राइमरी लाइन के अंदर शॉर्टिंग होगी तो उसको कैसे रिपेयर करेंगे, मोबाइल फ़ोन के अंदर सेकेंडरी लाइन क्या होती है। नाम तो सब लोग सुनते हैं कि प्राइमरी लाइन शॉर्ट हो गया, सेकेंडरी लाइन शॉर्ट होगा, ये सारी बातें सुनते हैं, तो प्राइमरी लाइन क्या है, सेकेंडरी लाइन क्या है, या हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है वो मोबाइल फ़ोन वाटर डैमेज हो जाता है और मोबाइल फ़ोन हमारा डेड हो जाता है जिसके कारण से हम लोग उसको कैसे रिपेयर करेंगे। मोबाइल फ़ोन के अंदर LDO सर्किट हमारे शॉर्ट हो जाते हैं जिससे हमारा मोबाइल फ़ोन डेड हो जाता है, उसको कैसे चेक करेंगे। मोबाइल फ़ोन के अंदर बक सप्लाई शॉर्ट हो जाती हैं, उनको कैसे रिपेयर करेंगे। पावर आईसी वर्क नहीं करती, पावर आईसी वर्क नहीं करती या पावर आईसी डेड हो जाती है तो उसको हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे। या हमारे मोबाइल फ़ोन में VIO है या VREC की लाइन है 1.8 2.8 वोल्ट, ये लाइन अगर शॉर्ट हो जाती हैं तो हम लोग मोबाइल फ़ोन को कैसे रिपेयर करेंगे। या हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है जिसमें CPU की लाइन शॉर्ट हो जाती है तो हम लोग उसको कैसे रिपेयर करेंगे, क्योंकि CPU की लाइन शॉर्ट हो जाएगी तो हमारा दोस्तों मोबाइल फ़ोन डेड हो जाएगा, उसको कैसे रिपेयर करेंगे। या हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है जिसमें MMC लाइन शॉर्ट हो जाता है MMC का लाइन ख़राब हो जाता है, उसको कैसे रिपेयर करेंगे। या तो रैम की लाइन ब्रेक या शॉर्ट हो जाती है तो उसको हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे। तो हमारे पास जितने भी मोबाइल फ़ोन आते हैं उस मोबाइल फ़ोन के अंदर अगर बक लाइन शॉर्ट हो जाती है, MMC की लाइन शॉर्ट हो जाती है, CPU की लाइन शॉर्ट हो जाती है, रैम की लाइन शॉर्ट हो जाती है तो उसको हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे। या हमारे मोबाइल फ़ोन का बूट सीक्वेंस क्या होता है कि मोबाइल फ़ोन कैसे काम करता है, उसके अंदर का बूट सीक्वेंस क्या होता है। मोबाइल फ़ोन के अंदर चार्जिंग, पावर, CPU, MMC ये आपस में कैसे काम करती हैं, ये सब IC एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड होती हैं, किस तरीके से वर्किंग करती हैं, अगर इसमें से कौन सी लाइन मिस हो जाती है जिस कारण से हमारा मोबाइल फ़ोन डेड हो जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें समझेंगे। यदि हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है उस मोबाइल फ़ोन में
सॉफ्टवेयर की वजह से मोबाइल फोन डेड हो जाता है या सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है जिससे मोबाइल फोन या तो लोगों पे चालू होता है या तो ऑन ही नहीं होता, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है। यदि हमारे पास कोई मोबाइल फोन आता है जिसमें नेटवर्क की सप्लाई शॉर्ट हो जाती है जिससे हमारा सेट बंद हो जाता है, या तो हमारे पास मोबाइल फोन के अंदर VPH की लाइन शॉर्ट हो जाती है जिससे भी हमारा मोबाइल फोन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। यदि हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन के अंदर फोन ऑटो पोर्ट बनाता है, ऑटो पोर्ट का मतलब होता है अपने मन से फोन क्या हो जाता है, पोर्ट बनाता है, पोर्ट का मतलब होता है सिस्टम से कनेक्ट हो जाना। सिस्टम से कनेक्ट हो जाना, अगर आपका मोबाइल फ़ोन सिस्टम से कनेक्ट हो जाता है, फ़ोन ऑटो पोर्ट बनाता है, तो उसको हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे? यदि आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है उस मोबाइल फ़ोन के अंदर डुअल डेकर CPU से सेट डेड हो जाता है तो उसको कैसे रिपेयर करेंगे? यदि आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है और उस मोबाइल फ़ोन के अंदर PCB बोर्ड बर्न हो जाता है, PCB बोर्ड क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है, तो उसको कैसे रिपेयर करेंगे? या आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है वो चार्जिंग से ऑन हो बट बैटरी से ऑन ना हो, यदि कोई भी मोबाइल फ़ोन आपके पास आता है उस मोबाइल फ़ोन को दोस्तों जब आप चार्जिंग पे लगाते हो तो चार्जिंग से तो ऑन हो जाता है लेकिन जब बैटरी से करते हो तो बैटरी से आपका मोबाइल फ़ोन ऑन नहीं होता, या तो आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है उसमें लाइट सर्किट की वजह से मोबाइल फ़ोन डेड हो जाता है यदि आपके पास मोबाइल फ़ोन आता है और उस मोबाइल फ़ोन में LCD या ग्राफिक सर्किट की वजह से मोबाइल फ़ोन क्या हो जाता है, ग्राफिक सर्किट से मोबाइल फ़ोन हमारा क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। यदि हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है और वो मोबाइल फ़ोन लो बूटिंग की प्रॉब्लम आती है या PCB बोर्ड डैमेज की प्रॉब्लम आती है तो उसको हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे? तो ये दोस्तों ये जो मैंने आपको बताए हैं ये हमारे पास जो सेट डेड के अंदर इतने सारे तरीके आते हैं जिन सारे तरीकों से हमारा पास मोबाइल फ़ोन आता है अगर वो बंद हो जाता है तो उस बंद मोबाइल फ़ोन को हम लोग दोस्तों कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों ये जो वीडियो मैं लेकर के आया हूँ ये सभी स्टूडेंट के लिए बहुत स्पेशल वीडियो है। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से अगर काफ़ी चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, इतना सीखने को मिलेगा कि आप काफ़ी हद तक डेड मोबाइल फ़ोन को बना सकते हो या उस मोबाइल फ़ोन के अंदर और भी जितने सारे सर्किट हैं सारे सर्किट को आप रिपेयर कर सकते हो। दोस्तों ये जो वीडियो मैं लेकर के आया हूँ ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस मैं आपको दूंगा, ये किस तरीके से मोबाइल फ़ोन आएंगे उसको बनाया जाएगा उसका तरीका मैं आपको कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आपके पास कोई भी बंद मोबाइल फ़ोन आएगा उस बंद मोबाइल फ़ोन में सबसे ज़्यादा लोगों को परेशानी आती है कि उस फ़ोन को मल्टीमीटर कैसे उठाएंगे, मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको एक्सपीरियंस दूंगा और इसको बोर्नियो सिमेटिक के माध्यम से कैसे मोबाइल फ़ोन को रिपेयर किया जाता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये दोस्तों मैं वीडियो में इसलिए लेकर गया हूं ताकि हमारे बहुत ऐसे लोग हैं जिन लोगों को डेड फ़ोन में समस्याएं आ रही हैं तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से उनके डेड फ़ोन की काफ़ी हद तक समस्याएँ हल हो जाएंगी और इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी तरह से मोबाइल फ़ोन को रिपेयर कर लेंगे या उनको रिपेयर करने का चेकिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
तो चलिए दोस्तों, मैं एक बार इस चीज़ को दोबारा समझा देता हूँ कि डेड मोबाइल फ़ोन की आप चेकिंग कैसे करेंगे। इसका स्पेशल क्लास लेकर के आया हूँ। सबसे पहली बात कि डेड फ़ोन की बेसिक चेकिंग। बेसिक चेकिंग का मतलब होता है कि कोई भी कस्टमर हमारे पास फ़ोन लेकर के आता है, कहता है ये मोबाइल फ़ोन भैया देखो हमारा चलते चलते मोबाइल फ़ोन बंद हो गया है, तो आप उसको कैसे चेक करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि तुरंत CPU पे लग गए, तुरंत काम्बो बदल दिया, तुरंत बैटरी चेंज कर दिया, ऐसा नहीं। आप उस मोबाइल फ़ोन को कैसे लोगे, उसको कैसे वॉच करोगे, क्या वॉच करने के तरीके होते हैं, क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, और उसके बाद फिर उसमें काम स्टार्ट किया जाता है। तो ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि बेसिक चेकिंग क्या होती है। दूसरी बात, डेड फोन को मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे, ये तो हमने बेसिक देख लिया। फिर आप उसको मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे, मल्टीमीटर में बैटरी कनेक्टर में कैसे चेक करेंगे, मदरबोर्ड में कैसे चेक करेंगे, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। जब मदरबोर्ड में आप चेक करेंगे तो उसको चेक करने के दोस्तों दो तरीके की टेस्टिंग बनती है। एक हमारा होता है कूल टेस्टिंग, दूसरा होता है हमारा हॉट टेस्टिंग। तो आप कूल टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग के माध्यम से कैसे मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करेंगे उसका तरीका हम लोग समझेंगे। तो उसके बाद हम लोग कूल टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग दोनों चीज़ों के बारे में सीखेंगे। फिर हम लोग सीखेंगे कूल टेस्टिंग जो होती है, कूल टेस्टिंग को चेक करने के भी हमारे कई सारे टाइप्स होते हैं। जैसे पहले ओके कंडीशन होता है। ओके कंडीशन का मतलब होता है जब फ़ोन को चेक करते हैं तो बैटरी कनेक्टर पर सब कुछ सही बताता है, उसके बाद भी फ़ोन हमारा चालू नहीं होता। या ओपन कंडीशन, मोबाइल फ़ोन के अंदर सप्लाई लाइन ब्रेक हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो उसको कैसे रिपेयर करेंगे। लीकेज कंडीशन, मोबाइल फ़ोन अपने मन से ही बैटरी ड्रिंक करने लगता है, उसको कैसे रिपेयर करेंगे। मोबाइल फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग कंडीशन, मोबाइल फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग होता है तो उसको हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे। उसके बाद आता है हॉट टेस्टिंग। हॉट टेस्टिंग में हम लोग DC सप्लाई मशीन से एम्पियर रीडिंग क्या होती है, मोबाइल फ़ोन क्या एम्पियर ले रहा है, और कैसे कैसे मोबाइल फ़ोन में अलग अलग सिचुएशन जनरेट हो रही है, उन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे 5 एम्पियर 30 वोल्ट पर सेट करके। हम लोग चार्जर एडाप्टर से चेक करेंगे, 6 पोर्ट का जो चार्जर आता है उससे चेक करेंगे। दूसरी बात, प्राइमरी लाइन को चेक करेंगे कि मोबाइल फ़ोन के अंदर प्राइमरी लाइन खराब हो जाती है तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा। मोबाइल फ़ोन के अंदर सेकेंडरी लाइन खराब हो जाती है तो उसको कैसे रिपेयर किया जाएगा। मोबाइल फ़ोन के अंदर वाटर डैमेज हो जाता है तो उसको मोबाइल फ़ोन को कैसे ठीक किया जाएगा। और अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन में LDO सर्किट्स जो होते हैं अगर वो शॉर्ट हो जाते हैं जिसके कारण से हमारे मोबाइल फ़ोन डेड हो जाते हैं तो उसको कैसे दोस्तों ठीक करेंगे। उसके बाद मोबाइल फ़ोन के अंदर बक सप्लाई शॉर्ट हो जाते हैं जिससे हमारा मोबाइल फ़ोन डेड हो जाता है। मोबाइल फ़ोन में पावर IC वर्क नहीं करती, डेड हो जाती है तो उसको कैसे रिपेयर किया जाएगा। मोबाइल फ़ोन के अंदर VIO है, VRAG है, 1.8 2 पॉइंट लाइन शॉर्ट हो जाती है तो उसको कैसे रिपेयर करेंगे। CPU लाइन शॉर्ट हो जाती है, CPU की सप्लाई शॉर्ट हो जाती है जिसके कारण से CPU शॉर्ट हो जाता है तो पूरी फ़ोन पूरा डेड हो जाता है, उसको कैसे ठीक करेंगे। MMC लाइन शॉर्ट हो जाएगी तो उसको कैसे चेक करेंगे। RAM की लाइन ब्रेक हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी तो उसको हम लोग दोस्तों कैसे चेक करेंगे। हमारा बूट सीक्वेंस क्या होता है, मोबाइल फ़ोन कैसे काम करता है, कैसे मोबाइल फ़ोन के अंदर बूटिंग होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। मोबाइल फ़ोन के अंदर चार्जिंग है, पावर है, CPU है, MMC, ये सारी IC आपस में मिल करके कैसे काम करती है, इनका कोलेब्रेशन क्या होता है, कौन सी IC किसको पहले सप्लाई देती है, कैसे काम करता है, कैसे CPU ऑन होता है, कैसे MMC ऑन होती है, इन सब चीज़ों का एक हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे सॉफ्टवेयर डेड। अगर आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है वो मोबाइल फ़ोन सॉफ्टवेयर की वजह से डेड हो जाता है तो उसको हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे। और हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है जो सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है, लोगों पर खड़ा हो जाता है, ऐसी सिचुएशन आती है, फ़ोन डेड की पोजीशन में होता है, रीस्टार्ट होता है, तो उसको कैसे रिपेयर करेंगे। नेटवर्क सप्लाई शॉर्ट हो जाती है, अगर नेटवर्क में लाइन शॉर्ट हो जाती है तो भी हमारा आंसर डेड हो जाता है, उसको कैसे दोस्तों ठीक करेंगे। VPH लाइन शॉर्ट हो जाती है तो भी हमारा मोबाइल फ़ोन डेड हो जाता है तो उसको कैसे दोस्तों हम लोग ठीक करेंगे। फ़ोन के अंदर ऑटो पोर्ट, मतलब मोबाइल फ़ोन को जब कंप्यूटर से लगाते हैं तो अपने मन से ही फ़ोन कनेक्ट हो जाता है लेकिन वो मोबाइल फ़ोन कभी ऑन नहीं होता तो उसको कैसे रिपेयर करेंगे। या डुअल डेकर जो CPU आते हैं, डुअल डेकर CPU आते हैं वो, उनको हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे। डुअल डेकर CPU जो सेट डेड हो जाते हैं उसको हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे। PCB बोर्ड बर्न हो जाता है, PCB बोर्ड के अंदर कोई चीज़ जल जाती है, आग लग जाती है, बर्न हो जाता है तो उसको कैसे रिपेयर करेंगे। मोबाइल फ़ोन चार्जिंग से ऑन हो, मतलब चार्जिंग पर लगाओगे तो फ़ोन चलेगा बट बैटरी से ऑन नहीं हो रहा है तो उसको मोबाइल फ़ोन को कैसे रिपेयर करेंगे। लाइट सर्किट, अगर फ़ोन के लाइट सर्किट की वजह से फ़ोन डेड हो जाता है तो उसको आप कैसे रिपेयर करेंगे। LCD या ग्राफिक सर्किट की वजह से मोबाइल फ़ोन डेड हो जाता है तो उसको दोस्तों आप कैसे रिपेयर करेंगे। या फ़ोन के अंदर बूटिंग की प्रॉब्लम आती है उसको कैसे रिपेयर करेंगे। PCB बोर्ड डैमेज हो जाता है तो उसको कैसे रिपेयर करेंगे। तो इतने सर जी आपको मोर देन इतने सारे टॉपिक्स हैं जो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, जिन टॉपिक के माध्यम से आपके पास जो भी मोबाइल फ़ोन आएगा आप उस मोबाइल फ़ोन को क्या करेंगे दोस्तों, रिपेयर करेंगे। ये टॉपिक सर मैं आपको इसलिए लेकर के आया हूँ ताकि इस टॉपिक के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी चीज़ों को आप इजीली तरीके से सीख सकें और सीखने के बाद
आप एक बेहतर मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग टेक्नीशियन बन सकें और उस मोबाइल फ़ोन में आने वाली समस्याओं को आप लोग ठीक कर सकें। तो इसीलिए दोस्तों मैं ये टॉपिक आपको लेकर आया हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इन टॉपिक के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं डेड मोबाइल फ़ोन के बारे में स्पेशल लेवल की मैं आपको ट्रेनिंग दे सकूं और आपको मोबाइल फ़ोन में आने वाले फॉल्ट से संबंधित सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा सकूं। हो सकता है सर ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन दोस्त अगर आपने इतनी सारी चीज़ें सीख ली तो मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूँ डेड मोबाइल फ़ोन के आप मास्टर बन जाओगे। और जब आप दोस्तों जब आप मेरे पास सीखने के लिए आते हो तो ये सारी चीज़ें आपको दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाता है, पूरा इजीली टॉपिक बाय टॉपिक आपको क्लियर कराया जाता है, ताकि आप इन सब चीज़ों को सीख करके आप डेड मोबाइल फ़ोन को बनाने का तरीका सीख सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग ये जितने सारे टॉपिक हैं वो स्टेप बाय स्टेप एक दिन के अंदर दो या तीन कम से कम टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों ये जितनी वीडियो मैं लेकर गया हूँ ये सारी वीडियो को आप लोग अच्छे से देखें, और अगर इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो मुझे लगता है आप मोबाइल फ़ोन के रिपेयरिंग के लाइन में एक अच्छा इतिहास रचेंगे और मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग को अच्छे से समझ करके बेहतर तरीके से आप काम कर पाएंगे। और अगर इसी तरीके से इन्हीं सब चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकल तरीके से अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो सर आप ईटेक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो और इसी तरीके से इन सब चीज़ों के बारे में सीख सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को जो मैंने समझाया उनको अच्छे से नोट करें, समझें, और वीडियो के आने वाले और भी 15-20 वीडियो आने वाले हैं, उन सारे 15-20 वीडियो को आप लोग देखें। अगर 15-20 वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आता है तो बिल्कुल आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें और अच्छे से सीख करके अच्छे से काम करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करते रहें, ताकि आपके बहुत ऐसे भाई लोग हैं जो लोग रिपेयरिंग कर रहे हैं लेकिन वो पूरी तरीके से रिपेयरिंग नहीं कर पाते तो भी वो रिपेयरिंग को अच्छे तरीके से कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।